हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज आपका हो गया है 3 अक्टूबर, मतलब कि रात के 12:15 AM हो रहा है, मतलब कि 14 अक्टूबर आ चुका है। तो आज क्यों डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। वीडियो का प्रिंट तक जरूर देखना, बता दो ये वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग किसी दिन मिस करते हो तो एक बार आप लोग मेरे चैनल पर विजिट जरूर करना, मैं इसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले बात कर ले हम लोग, मैं नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं तो फिर आप लोग में से बहुत लोगों को जो है TCS ऑफ कैंपस IRC का अगेन मेल आया होगा। तो ये आप पर डिपेंड, बहुत लोग पूछ रहे सर क्या फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका मन है तो देने का दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है अगेन एग्ज़ाम देना, ठीक है। देखो ये मेल उन्हीं लोगों को आएगा जिन लोगों का IRC एग्ज़ाम देने में भी कभी, देखो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, बहुत लोग जो ये IRC एग्ज़ाम के समय में प्रॉब्लम फेस करने को आया था, लाइक उनका एग्ज़ाम नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए कंपनी इसलिए TCS जो है फ्रेंड अगेन वो सेंड कर रही थी IRC मेल। और ये अगर आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गया है तो आपको अगेन देने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, कोई भी आपको फाइनल एग्ज़ाम प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिनको प्रॉब्लम आया था, अगर उन लोगों को ये मेल आ रहा है तो आप लोग ट्राई करना इस IRC एग्ज़ाम को देने का और 3 घंटे सीट बैठने का, बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दे के छोड़ दो और आप लोग जल्दी जल्दी सबमिट पर क्लिक भी कर सकते हो, कोई ऐसा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट अपडेट का बात करें तो फिर आप बता दो फिर कॉग्निजेंट JNC नेक्स्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है, बहुत लोगों का फिर ऑफर्ड आ रहे हैं, बहुत लोगों का नोट सिलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि JNC नेक्स्ट का जो फिर आपका इंटरव्यू काफ़ी टफेस्ट होता है, आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली 2022 बैच के लिए अपडेट था। आगे बात करें फिर ये बता दो फिर माइंट्री, तो यहाँ पर अपडेट देखने को आई है फिर माइंट्री का जो है रिजल्ट जो है फिर आपका जो है, देखेंगे फिर डियर टैलेंट के अर्लियर वी कम्युनिकेट वी वुड गेट बैक टू यू विद एन अपडेट बाय 27th of September, द इंटरव्यू प्रोसेस इज स्टिल ऑन होल्ड, हाउएवर वी विल गेट बैक यू टू अदर फर्दर अपडेट बाय 15th of October, ओके। तो बाद फिर ये माइंट्री का जो ये CNIG का जो जूनियर इंजीनियरिंग का हुआ था ना अभी हाल में, ये उनका अपडेट और ये काफ़ी डिले करती है, ऐसा नहीं कि सभी का, अब ये सभी सब में हुआ था, जो हम लोग का भी हायरिंग हुआ था आप लोग पता होगा उसमें भी ये जो है इंटरव्यू रिजल्ट को काफ़ी डिले करती है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग को मेल देखने को आएगा, तो अभी आप लोग को 15 तारीख को जो आप लोग को फिर अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करें अपडेट को लेकर, तो फिर ये आपका अपडेट हो गया है डिलोटी की तरफ से, बाद में डिलोटी का ऑलरेडी यहाँ पर असेसमेंट लिंक आना चालू हो गया, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर एक बार चेक कर लेना, अगर वीडियो का अगर हायरिंग अभी स्टिल ओपन होगी तो आप लोग अप्लाई जरूर कर देना। फिर देखेंगे तो थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन विद डिलोटी, वी नाउ वी नेक्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट प्रोसेस हियर, वी हर बाय एडवाइस टू अंडरगो एन कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट रिक्वायरमेंट, अ पर्सनल कंप्यूटर, वर्किंग वेबकैम, स्मूथ इंटरप्रेट, योर ID कार्ड, ओके, और आपका नेट स्पीड अच्छा होना चाहिए, बाकी आप लोग यहाँ सब देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है चेकआउट जरूर करना, क्योंकि डिलोटी जो अभी हायरिंग कर रही है और असेसमेंट लिंक बहुत लोगों को आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है बहुत लोगों को, ठीक है। तो फिर ये आपका बता दो फिर, अगर आप लोग लुकिंग फॉर जॉब्स अपडेट योर प्रोफाइल एंड अप्लाई फॉर जॉब्स इन TCS एंड जॉब लिस्टिंग, बता दो फिर देखें तो आपका TCS नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट हेल्ड इन अक्टूबर, TCS नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट इज गेटवे टू 1000 ऑफ, देखो कैसे आप लोग को 100% प्रोफाइल करना होगा, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका, बस एक बार आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना पप्पू करियर गाइड TCS IELTS 100% प्रोफाइल कंप्लीशन, आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना आप, बाकी बाद में आप लोग को ये सब कुछ जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक देखता हूँ मैं आज क्या क्या डिस्कस में कर लिया, फिर ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ, ये डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर, होगा आपका ये मैं बाद में अपडेट कर दूँगा, ठीक है, इसे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डिस्कस कर लिया। अब देखो फ्रेंड एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा सर बता दो फ्रेंड, ये आपका जो है दिस वीक और नेक्स्ट वीक में जो है ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, दिस वीक और नेक्स्ट वीक, मतलब बिफोर 15th अक्टूबर ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम रहा डिले होने का रहेगा तो 15 अक्टूबर के बाद होगा, लेकिन हाँ मेरे पास जो अपडेट आया फिर वो आपका है इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में जो है 15 अक्टूबर का जो NQT एग्ज़ाम है और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा जब स्टार्ट होगा। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया, उसके बाद आपके मन को डाउट होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको इसी की तरह दूसरे जो दूसरे अपडेट वाले वीडियो में, तो ख्याल रखें, अच्छे से रहें, जय हिंद जय भारत। अगर सो गए होगा तो वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, तब तक के लिए गुड नाइट।